टांसरी क्षेत्र के जो राजपूत है और ब्राह्मण्स है उनको एसटी का स्टेटस दिया गया है। जब ये केस हिमाचल प्रदेश सरकार को आया और हिमाचल प्रदेश सरकार ने इसको एग्जामिन करने के लिए लॉ डिपार्टमेंट को भेजा, तो लॉ डिपार्टमेंट ने पाया कि इसमें कुछ त्रुटियां थी। पहली त्रुटि जो थी वो थी उसमें बेस डेट जो है कि ट्रांसगिरी में जो लोग रह रहे हैं कब से रह रहे हैं उनको एसटी का स्टेटस दिया जाएगा, क्योंकि इसमें बेस डेट नहीं थी। जो भी हिंदुस्तान में जितने भी एसटी के एरियाज हुए हैं उसमें बेस डेट का मतलब कि कौन से साल से, जैसे कई जगहों में 1950 से है, इसमें बेस डेट नहीं थी। अगर हम इसको 2023 में इम्प्लीमेंट करते तो इसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले 20 30 40 सालों में ट्रांसगिरी क्षेत्र में बसे हैं और वो पंचायतों में भी उनका रिकॉर्ड है, मगर इसमें हाटी ट्राइबल का स्टेटस तो जो मूल रूप के निवासी हैं उनको ही मिलेगा। तो एक ऑब्जेक्शन तो हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से ये पूछा है कि इसकी बेस डेट तय करके हमें बताई जाए। दूसरा जो इशू था जिसमें लॉ डिपार्टमेंट ने अपनी क्लैरिफिकेशन के लिए कहा है, दूसरा कि उसमें राष्ट्रपति की जो अधिसूचना है उसमें कहा गया है कि सभी लोग, वह तो इंग्लिश में स्टेट है वो नोटिफिकेशन, वो उसमें कहा गया कि सभी लोग ट्रांसगिरी क्षेत्र के एसटी बन गए उसमें, और उसके साथ ही जो अंडर सेक्रेटरी की एक लेटर है उसमें लिखा है कि राजपूत और जो ब्राह्मण्स हैं और वो और एक्सक्लूडिंग एससी कम्युनिटी, उसमें जो अंडर सेक्रेटरी की चिट्ठी है उसमें एससीज को एक्सक्लूड किया गया है और राजपूत और ब्राह्मण को इंक्लूड करके उसको किया गया है। अब लॉ डिपार्टमेंट का मानना है कि हम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने या हम अंडर सेक्रेटरी के लेटर को माने, तो ये भी क्लेरिफिकेशन के लिए हिमाचल सरकार ने केंद्र को लिखा हुआ है। अब जो आप ये जो है कह रहे हैं हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की है हमारे जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि इस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमको भेजा है उसमें क्लेरिफिकेशन नहीं है। जो राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन तो फाइनल नोटिफिकेशन होती है, अब उस एक अधिकारी की चिट्ठी को माने या फिर राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने, हिमाचल सरकार के आगे इट वॉज अ क्वेश्चन मार्क प्रश्न चिन्ह था। तब अगर हम राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माने तो एससी लोग भी इसमें एससी लोगों को भी एसटी का दर्जा दिया गया है, जबकि एससी बरादरी ने इसका विरोध किया था। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्लेरिफिकेशन के लिए इसको भेजा गया है हाई कोर्ट में, बेशक इन्होंने पिटीशन की है और पिटीशन की है, मगर वो उन्होंने तो ये कहा है कि हमको एसटी का दर्जा नहीं चाहिए। तो हिमाचल सरकार को, जब केंद्र सरकार क्लेरिफाई करके हिमाचल सरकार को भेजेगी, हिमाचल सरकार इसको तुरंत लागू करेगी। और हिमाचल सरकार और मैं खुद भी, क्योंकि मैं भी ट्राइबल एरिया से रहता हूँ, ट्राइबल उस एरिया से हूँ, हम भी चाहते हैं कि जो हमारे उस क्षेत्र के लोग हैं उनको एसटी का दर्जा जो है वो मिले। सर्वे हुआ है ना इसका, तो जो इसको किया गया है वो तो सर्वे किया गया है और बहुत लंबे अरसे से ये मांग पिछले 50 सालों से चली हुई थी। इसकी सर्वे, इसकी एंथ्रोपोलॉजी स्टडी भी की है, बहुत सारे सर्वे किए, उस आधार पर किया गया है। तो ये तो जब कोर्ट में मामला है, मगर ये कि एसटी जो एससी लोग हैं, एससी लोगों का विरोध नहीं है, मगर एससी के जो लोग हैं वो एसटी नहीं बनना चाहते हैं, और जो राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन है उसमें सभी कैटेगरी के लोगों को एसटी बनाया गया है, क्योंकि इसमें दुविधा है। और मैं खुद भी अब जो है जल्द जो है जो केंद्रीय ट्राइबल मिनिस्टर है, मैं खुद भी मिलने जाऊंगा उनको और मैं कहूंगा भी आप इसको क्लेरिफाई जो कीजिए, क्योंकि राष्ट्रपति की जो अधिसूचना, राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन, इट इज कंसिडर्ड टू बी फाइनल। एक छोटे अधिकारी की लेटर को माना जाए या राष्ट्रपति की नोटिफिकेशन को माना जाए, तो क्लेरिफिकेशन, जैसे क्लेरिफिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगी हम उसको तुरंत लागू करेंगे।